मेरे प्यारे दोस्तों सज्जन मित्रों, मैं आपको बताने जा रहे हैं अध्याय नौ एविडेंस एक्ट का। जो अध्याय नौ है वो साक्ष्यों के विषय में प्रावधान करता है। इसमें आता है 118 से लेकर के 134 तक की जो एविडेंस एक्ट की धाराएं हैं वो अध्याय आठ में विबंध सॉरी अध्याय नौ में साक्ष्यों के विषय में प्रावधान करती है। इसमें हम आपको संक्षेप में बताने जा रहे हैं, 118 से लेकर के 134 अध्याय नौ में साक्ष्यों के विषय में है। तो 118 कौन साक्ष्य दे सकेगा, 119 मौखिक रूप से संप्रेषित करने में अक्षम साक्षी, 120 सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियां या पति, दांडिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी, और 121 न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, 122 विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं, 123 राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य, 124 शासकीय संसूचनाएं, 125 अपराधों के करने के बारे में जानकारी, 126 वृत्तिक संसूचनाएं, 127 धारा 126 दुभाषियों आदि को लागू होगी, 128 साक्ष्य देने के लिए स्वयं उन्नत होने से विशेषाधिकार अभिव्यक्त नहीं हो जाता है, 129, 129 में बढ़ते हैं आगे। विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं, 130 जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक अभिलेखों का पेश किया जाना, 131 उन दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का पेश किया जाना जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति जिसका उन पर कब्जा है पेश करने से इनकार कर सकता था, 132 इस आधार पर कि उत्तर उससे अपराध में फंसाएगा साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा, और 133 सह अपराधी और 134 साक्षियों की संख्या। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करना न भूलें, आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में मिलता रहे। ये था एविडेंस एक्ट का अध्याय नौ साक्ष्यों के विषय के संबंध में। थैंक यू वेरी मच।